वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि रमज़ान स्पेशल में तैयार हो रही है, रोज़ मोमोस। सो आज मैं इसे एक वेज मोमो की शक्ल में रोज़ मोमोस तैयार कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और इसके साथ साथ मोमोस चटनी, और ये बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार तैयार होती है। आप इस लॉकडाउन में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तैयार करते हैं इसकी मोमो चटनी जो कि बहुत स्पाइसी बनने वाली है। तो सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन में पानी गर्म कर लिया है। इसमें ऐड किया है मैंने 2 टमाटर और 4 से 5 लाल मिर्च, और इसे 10 मिनट तक उबाल लें। उबालने के बाद इसे अच्छे से ठंडा कर लें। तो अभी ये ठंडा हो चुका है और इसकी जो ऊपर की स्किन है उसे मैं हटा दूंगी और इसे साइड में कर लूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी ये तैयार हो चुकी है। इसका जो वाटर है उसे आप फेंके मत, इसे रीयूज लें आटा गूंदने। तो इसे मैं एक ब्लेंडिंग जार में ऐड कर लूंगी। इसमें जाएगा 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1/2 टीस्पून नमक और 1 चम्मच शुगर। इसे डाल के एक अच्छे से फाइन पेस्ट कर लें। तो तैयार है हमारी स्ट्रीट स्टाइल मोमो चटनी, एकदम इंस्टेंटली बनके तैयार है। तो चलिए अगले स्टेप पे, तो बनाते हैं आप हम इसका मोमो का डो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक भर के 1 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक और इसे मिक्स कर लें, और इसमें तो 1 चम्मच ऑयल ऐड कर लें और इसे मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो अब ये तैयार हो चुका है। इसे मैं रेस्ट करने रख लूँगी करीब 15 मिनट तक। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें और इसे मसल के करीब 15 मिनट तक इसे रेस्ट करने छोड़ दें। तो चलते हैं अगले स्टेप पे, तो बनाते हैं इसकी मोमोस की फिलिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। इसमें जाएगा 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 चम्मच यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है, और 1 कप जाएगा यहाँ पे पत्ता गोभी जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप इसे कट कर लें। तो इसे 2 मिनट तक भून लें। इसमें जाएगा 3/4 कप कैरेट यानी गाजर, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसे भी मिक्स करके भून लें। देन नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच वेनेगर, और इन सबको ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से भून लें। करीब इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें, और ये अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसे साइड में कर लेंगे, इसे ठंडा कर लें। तो चलते हैं अगले स्टेप पे, तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डो एकदम अच्छे से नरम हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो इसके मैं लोइयाँ तैयार कर लूँगी। हमें 3 स्टेप के लोइयाँ तैयार करना होगा, एक छोटा और मीडियम और एक बड़ा साइज़ वाला। तो ध्यान रखें तीनों साइज अलग होना चाहिए, और इसे मैं अब रोल कर लूँगी। जितना पतला हो सके उतना पतला इसे बेल लें, जितना पतला हो सके उतना ही ट्रांसपेरेंट अच्छा लगेगा और ये अच्छे से कुक हो जाएगा। जितना हो सके आप इसे एकदम बारीक सा बेल लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 साइज़ के अलग अलग साइज़ में तैयार किया है। सो ये एक बड़ा वाला है, और ये मीडियम वाला, और ये छोटा वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने
ऑर्डर से इसे रख लिया है। तो सबसे नीचे बड़ा साइज़ वाला और उसके ऊपर थोड़ा सा मीडियम साइज़ और उसके ऊपर छोटा साइज़ वाला मैंने रख लिया है। और सेंटर में मैं फिलिंग रखूँगी जो हमने अभी तैयार किया है। अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद फिलिंग को ऐड करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो इसे मैंने फोल्ड कर लिया और इसे यहाँ से मैं इसे प्रेस कर लूँगी जहाँ पे हमारा फिलिंग है उस साइड से मुझे प्रेस करना होगा। और यहाँ पे मैं फोल्ड करके आ रही हूँ कुछ इस तरह से, छोटे साइज़ वाले से बड़े साइज़ को फोल्ड करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक मज़ेदार बहुत ही प्यारा यूनिक सा रोज़ बनके तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी। तो ये अभी हमारा रोज़ तैयार हो चुका है, मैं बाकी के भी तैयार कर लिया है। सो मैंने यहाँ पे स्टीम को मैं स्टीम करूँगी। सो यहाँ पे स्टीमर में मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है और इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख लूँगी या फिर छन्नी रख लें और इसमें हमारे जो रोज़ मोमोस हैं उसे ऐड कर लें। सो इसका बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करें, एक प्लेट का इस्तेमाल करें और करीब 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लें। अभी 15 मिनट हो चुके हैं तो अभी हमारे मोमोस एकदम परफेक्टली कुक्ड हैं, इसे मैं सर्व करूँगी। तो तैयार है हमारे वेज रोज़ मोमोस। इस इफ्तार में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए विद स्पाइसी मोमो चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है गाइस। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आपकी बहुत ही मज़ेदार शानदार रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। आप बाज़ार जाना भूल जाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो या फिर नई रेसिपी के साथ, अब तक के लिए इजाज़त देती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।